इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी दिल्ली में मौजूद हैं। इस मौके पर हंगामा करने के पीछे मंशा क्या है, यह तो बताने की भी जरूरत नहीं है। बीबीसी की इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कल रात जेएनयू में जो हुआ वो देखेंगे तो यह पता चल जाएगा इस हंगामे के पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं और उनका इरादा क्या है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन होने के बावजूद कल जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन इस बात पर अड़ी हुई थी कि इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए जो जगह चुनी गई थी वो स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस था, लेकिन जेएनयू प्रशासन की तरफ से मूवी की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी गई। स्टूडेंट्स अपनी जिद पर अड़े रहे तो स्टूडेंट्स यूनियन के ऑफिस की बिजली काट दी गई और इंटरनेट बंद कर दिया गया। तब लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। इसके बाद छात्रों ने QR कोड की मदद से अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही डॉक्यूमेंट्री देखनी शुरू कर दी। यह सब हुआ जेएनयू के गेट के पास, क्योंकि रात का वक्त था, बिजली नहीं थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देख रहे स्टूडेंट्स पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव के लिए वामपंथी दलों ने ABVV से जुड़े छात्रों को जिम्मेदार ठहराया। आयशा से जुड़े लोगों ने गौरव विकास नाम के दो छात्रों को पकड़ लिया और कहा ये दोनों स्टूडेंट ABVP से जुड़े हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट IC घोष ने कहा उन्होंने पथराव करने वाले ABVP से जुड़े छात्रों को पकड़कर रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। लेकिन विद्यार्थी परिषद के लोग कहते हैं कि पत्थर उन्होंने नहीं मारे, लेफ्ट विंग के स्टूडेंट जबरदस्ती मारपीट कर रहे हैं। अगर किसी के पास वे ये सबूत है कि हमने पत्थर मारा है, अगर सबूत है, हम पत्थर नहीं चलाते किसी पे, हमारी ये नहीं है, हम नहीं चलाते पत्थर। आप बताइए, न्यूज में चलाइए, मत करिएगा, कट मत करिएगा, उसको दिखाइए, एक भी सबूत दिखाइए। हम अभी से सबूत होता है, आप बताइए, आप बताइए, कायर है, वो दिखाइए। ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ के ले आए, हम बच के भाग रहे थे क्योंकि ये लोग हमें पड़ रही थी तो हम भाग रहे थे, छुप रहे थे जान बचाने के लिए, और ये लोग क्योंकि हमें जानते हैं ये पकड़ के ले हाँ, तो चाहे पुलिस जाके बताओ ना, तो क्यों बोले मारने वाले, तुम क्या क्यों आरोप लगा रहे हो, तुम आरोप क्यों लगा रहे हो, अगर मार दोगे लिंच करके, लिंच करके मार दोगे, अकेले देख के मार दोगे, जैसे बात कर रहे हो, अकेले देख के मार दोगे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया, वहीं से पत्थरबाजी शुरू किया स्टूडेंट्स के ऊपर, और गुंडागर्दी हम लोग नहीं सहेंगे। अगर उनको लग रहा है गुंडागर्दी करके बच जाएंगे हर बार, नहीं होगा, ये नहीं सहन होने वाला है जेएनयू के अंदर। और ABVP का आज जो हुआ है ना, पूरा कैंपस ABVP को जानता है, और गंदे तरीके से आने वाले समय में ABVP डिफीट होगा इनके ये एजेंडा से। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।